So all the girls who wanna become a teacher, you should target the top institute. And top institute nothing but वो विल गिव्स यू द बेस्ट ROI जहां आपका करियर सेट हो. एंड वही अगर आपका ग्रेजुएशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हो या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, देन सो स्टे ट्यून्ड विद मी थ्रूआउट दिस वीडियो. विल टॉक ऑल अबाउट द SNDT यूनिवर्सिटी. इसको लेकर कितने सारे कॉलेजेस एफिलेटेड है, क्या प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, कैंपस फैसिलिटीज क्या है, एंड सीट अवेलेबिलिटी एंड इवन द फी स्ट्रक्चर. सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द SNDT यूनिवर्सिटी. So big announcement guys, we have launched BEd specific YouTube channel named as Manuvar BEd Entrance, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Kindly subscribe this particular channel क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ BEd related वीडियो मिलने वाली है. And we have launched the batches for the Maharashtra BEd CET and the ELCET. So grab this opportunity, call on this particular number or visit our website. You can register now. One Google form link I given in the description. Fill this particular form and you will get a free counseling session from our experts. So gets live interact, books, shortcut trick, doubt class, recorded videos, topic test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus questions and the mentorship and complete guidance about the cap round program. So let's talk about the SNDT. Shrimati Nathibai Damodar Thakur C Women's University. It is re-accredited by NAC, awarded with A grade, and it has CGPA of 3.08 on 4-point scale. Founded by Maharshi Dr. Dondo Keshav Kerve in 1960. Yes guys, and that's why it is the first women's university in India, as well as if you talk about the Southeast Asia. So in 1916, it was started for noble cause of women's education, started with the name the Indian Women's University. And later, as it got recognition in 1950, the name has been changed to SNDT in 1951. The best institute, the best university in India with respect to all the women's. And guys, as SNDT established, and thereafter jo education more tha women's ko lekar, wo completely change ho gaya. And that's why Dr. Dondo Keshav Kerve in 1958 inko Bharat Ratna se sammanit kiya gaya. And it stand at 32nd multidisciplinary university of India. And agar main ranking ki baat karu, 4th rank among the western India. Yes guys, jitne bhi universities hai usme 4th place par hi aati hai if you talk about the western India, and 32nd in the multidisciplinary university. And ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो चुके हैं इसे, राइट. 4 कैंपसेस आर देयर, पहले सिर्फ 3 कैंपस थे, राइट नाउ 1 मोर कैंपस इज इंक्लूडेड इन 2011. 39 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 13 इंस्टीट्यूशंस एंड 166 अफिलेटेड कॉलेजेस. अब अगर कॉलेजेस की बात करूँ, देन वो बढ़ गई है, अराउंड 174 कॉलेजेस आर देयर. एंड ये कॉलेजेस सिर्फ महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते गाइज, ये कॉलेजेस पूरे इंडिया से बिलोंग करते हैं. आपको यहाँ कॉलेजेस मिलेंगे फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम असम, फ्रॉम गोवा, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम बिहार एंड एक्सेट्रा. सो लेट्स टॉक अबाउट द कैंपसेस. सो कैंपसेस जो है SNDT यूनिवर्सिटी को लेकर, चर्च गेट विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द SNDT यूनिवर्सिटी. दे आफ्टर एक जुहू में है एट सेंटा क्रूज, वन इन पुणे एंड द श्रीवर्धन. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड इवन द मास्टर ऑफ एजुकेशन. आप मास्टर ऑफ एजुकेशन भी यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मोस्टली फोकस हम करेंगे बीएड पर. ऑल दो जो SNDT यूनिवर्सिटी है ऑफर करती है मोर देन 250 प्लस प्रोग्राम्स, ओके. और हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन को लेकर. सो चर्च गेट में जो कॉलेज है, इट इज नथिंग बट द PVDT कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन, एफिलेटेड विद SNDT वीमेन्स यूनिवर्सिटी. और ये SNDT वीमेन्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, एक डिपार्टमेंट के तौर पर है PVDT. इट्स नोन एज प्रेम कुंवर विठलदास दामोदर ठाकर सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि स्टैब्लिश हुई थी इन 1959 एज अ डिपार्टमेंट. ये स्टार्ट हुआ था 1951 में और 59 से यहाँ कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं. फुल फ्लेज में 2 कॉलेजेस, 1 इन मराठी मीडियम एंड 2nd वन इन गुजराती मीडियम. पुणे की बात करें, देन SNDT कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे, महर्षि कर्वे विद्या विहार, कर्वे रोड, ओके. यहाँ भी आप बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम परसू कर सकते हो. एंड अगर बात करें जुहू कैंपस की, देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन जुहू कैंपस, यहाँ आप स्पेशल एजुकेशन परसू कर सकते हो. बीएड स्पेशल इन लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं, बीएड स्पेशल इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड बीएड स्पेशल इन ब्लाइंड, ओके गाइज. एंड जो श्रीवर्धन कैंपस है, ये 2011 में स्टैब्लिश हुआ है. ऑल दो यहाँ बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है, सो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले. यू हैव टू टारगेट 3 कैंपसेस, चर्च गेट, पुणे एंड जुहू.
अगर आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट टारगेट करना है गाइज आफ्टर क्रैकिंग द बीएड सीईटी, और क्या स्कोर होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। लेट्स टॉक अबाउट द फैसिलिटीज गाइज, या सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। बी एम के नॉलेज रिसोर्स सेंटर, यूनिवर्सिटी हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, ऑडिटोरियम्स है, नर्सरी एंड स्पेशल स्कूल। सो इंटर्नशिप जो है वो आपकी यहीं से हो जाएगी। ओके, काउंसलिंग सेंटर्स आते हैं जो कि प्लेसमेंट प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करने वाला है आपकी। फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, बैंकिंग, कैफेटेरिया, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टोर, हर्बल गार्डन, महर्षि कर्वे सेमिनार कॉम्प्लेक्स, सर सीताराम एंड लेडी शांताबाई पाटकर दीक्षांत सभागृह। सो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है गाइज। एंड वन मोर थिंग, अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट देख रहे हो ऑब्वियसली आप सारी फैसिलिटीज़ को भी देखोगे, कैंपस को भी देखोगे। सो गाइज, अगर आपको टारगेट जब टॉप कॉलेजेस करना ही है तो व्हाई नॉट एसएनडीटी, जब यहाँ से आपको सब कुछ फैसिलिटीज मिल रही है एंड इट इज वीमेंस कॉलेज। सो ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरियाज यहाँ आपके फुलफिल होते हैं। सो डेफिनेटली यू शुड टारगेट द एसएनडीटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स एंड फीस। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा एसएनडीटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे, इसका नाम एसएनडीटी से ही है, और यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड विद एसएनडीटी एट मुंबई, मराठी मीडियम। ओके, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, 50 सीट्स आते हैं एंड इट इज़ ओनली गर्ल्स कॉलेज। सो आप इन सारे मीडियम्स के थ्रू जा सकते हो, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, लॉ, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स। गाइस, इसको लेकर मैंने सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी बता रखा है, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बीटीटीसी, गोकुल एजुकेशन एंड सेंट जेवियर्स, हंसराज, एंड नाउ वन मोर वीडियो विल कम विद रिस्पेक्ट टू द एसएनडीटी सीट मैट्रिक्स। सो कैसे होता है गाइज, देखिए, लैंग्वेज के लिए 10% रिजर्वेशन है, राइट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री 10%, ज्योग्राफी 10%, कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ यहाँ 2%, राइट, उसके हिसाब से जो है ये आपका सीट ब्रेकअप हो जाता है आउट ऑफ 50। नाउ अगेन आपको देखना है ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है या अन एडेड है, तो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए कितना रिजर्वेशन है एंड ओएमएस के लिए कितना है, राइट। सो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। पीवीडीटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राइट, सो ये चर्च गेट में एस्टैब्लिश है जो कि एक डिपार्टमेंट है एसएनडीटी का, मराठी मीडियम एंड गुजराती मीडियम। सो 50-50 सीट्स आर देयर। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन को लेकर यहाँ आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, लाइक आपको कोई मीडियम सेलेक्ट नहीं करना है, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ओके, आप डायरेक्टली इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हो। बीएड स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, बीएड स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड बीएड स्पेशल ब्लाइंड, 30 सीट्स आते हैं। ओके गाइज, एंड लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर। सो काफ़ी नॉमिनेट फी स्ट्रक्चर है, एंड गाइज इंटर्नशिप की बात करूँ देन डेफिनेटली जो आपकी यहाँ इंटर्नशिप होती है आप उनको परमानेंट जॉब में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट्स वाई इंटर्नशिप पे आपको काफ़ी अच्छा फोकस करना है, एंड इफ यू आर इन एसएनडीटी देन आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट फी स्ट्रक्चर। 24,671 फॉर पुणे, दिस इज फर्स्ट ईयर फीस, 26,272 डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 50,360 फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स एंड 26,272 पीवीडीटी गुजराती मीडियम। ओके गाइस, सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर, एंड नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द सीट फीस, कैंपस फैसिलिटीज एंड इवन सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसएनडीटी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब लाइक करोगे देन विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज फॉर यू। सो सीट इनटेक, फी स्ट्रक्चर, काफ़ी नॉमिनेट फी स्ट्रक्चर है, एंड प्लेसमेंट स्टैट्स की अगर बात करूँ देन डेफिनेटली गाइज आफ्टर थ्रू इंग्लिश मीडियम अगर आप जाते हो डेफिनेटली आप सीबीएसई बोर्ड टारगेट कर सकते हो, आईसीएसई बोर्ड टारगेट कर सकते हो, सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ इनका टाइप है वहाँ आप एज असिस्टेंट टीचर अपॉइंट हो सकते हो। ओके, डेफिनेटली अगर आप बीएड सीटी के बाद और आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहे हो देन आप नेट क्वालिफाइड कर रहे हो या फिर सेट क्वालिफाई कर रहे हो देन डेफिनेटली जेआरएफ, एसआरएफ आप सबके लिए ट्राई कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जब स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ से 20-30K पर मंथ का पैकेज मिल सकता है, सो ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्ट करने वाले हो आप ईयरली में बता दूँ तो डियर 3-5 लाख पर एनम का पैकेज आपको यहाँ ईजिली मिल सकता है इफ यू हैव दैट मच स्किल्स। So let's generate your skill first by cracking BEd CET in 2022 and 23. So that's why. And for it, you can join our classroom sessions at Mumbai. So call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. For all exam updates and notification, you can also follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.